नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है सेब के पेड़ों में लगी सेंजो स्केल को देखना। दोस्तों, दो हफ्ते पहले मुझे पता चला कि पेड़ में लगी है सेंजो स्केल। सेंजो स्केल एक छोटा सा कीट होता है दोस्तों, जो कि पेड़ की चमड़ी, पेड़ की टहनी और सेब में से रस चूसता है, जिससे पौधा हो जाता है कमज़ोर। अगर इसको टाइम से कंट्रोल ना किया जाए तो पौधा सूख कर मर भी सकता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों सेब में पड़ गए थे डॉट डॉट। ये जो हल्के से डॉट डॉट आप सेब में देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा कमाल है सेंजो स्केल का। यहाँ पर भी जो ये डॉट डॉट से साफ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसके बढ़ने का कारण दोस्तों ये रहा कि फरवरी में जो इसमें HMO की स्प्रे करनी थी वो तो की, लेकिन उसमें HMO की रेशो डाल दी 200 लीटर पानी में 2 लीटर, जबकि डालना चाहिए था 4 लीटर। उसके बाद कहीं टहनी में इसमें स्केल रह गई थी दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे से जैसे जैसे पौधा बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद स्केल ने भी अपनी बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी और ये पूरा ही पौधा दोस्तों हो गया कवर सेंजो स्केल से। इसके अलावा 2 पौधे और हैं, टोटल 3 पौधों में इस प्लॉट में लगी है दोस्तों सेंजो स्केल। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, क्योंकि अब आजकल चला है जून का महीना, तो वालनट जो स्टेज होती है दोस्तों उसमें भी की जाती है HMO की स्प्रे, लेकिन मैंने वो स्प्रे नहीं की क्योंकि पौधों में ना माइट था ना कुछ और था। और सेंजो स्केल का भी मुझे तब पता चला जब से मैं डॉट डॉट पढ़ने शुरू हुए दोस्तों। उसके बाद मैंने सोचा कि आजकल टेम्परेचर 30-35 के आसपास चला है तो HMO की स्प्रे करना ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने लाई दोस्तों कीटनाशक जो की थी येलो कलर की, उसके बाद उसकी स्प्रे मैंने की। लेकिन एक हफ्ते तक मैंने वेट किया, उसके बाद उससे कोई रिजल्ट नहीं निकले और मैंने कर दी इसमें HMO की स्प्रे दोस्तों। और उसके दूसरे ही दिन दोस्तों जब मैंने पेड़ पे आके देखा तो मैंने देखा कि सारी स्केल बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और स्केल बिल्कुल एक्टिव नहीं है, क्योंकि HMO का जो ऑयल होता है दोस्तों उसकी वजह से स्केल के जो सांस लेने के फंक्शन है वो हो जाते हैं बंद और सफोकेशन से स्केल माइट्स वगैरह के अंडे हो जाते हैं ख़त्म। तो अप्रैल के बाद जब मई आता है दोस्तों, मई में HMO की स्प्रे बहुत ज़रूरी है, वरना सेब में इस तरह के डॉट डॉट पड़ते हैं दोस्तों और सेब का बाज़ार में अच्छा भाव नहीं मिलता। तो दोस्तों मैंने इसमें 200 लीटर पानी में 2 लीटर की रेशो से इन 3 पौधों में स्प्रे की थी, जिसकी वजह से हो गई कंट्रोल। यानी कि 1 लीटर में मैंने 10 ml HMO मिलाया। अगर दोस्तों फरवरी में HMO की स्प्रे करनी होती है तो उसमें 1 लीटर में डाला जाता है 20 ml, लेकिन HMO की स्प्रे अगर मई या जून में की जाए दोस्तों तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी ध्यान ये रखना पड़ता है कि टेम्परेचर अगर 38 डिग्री से नीचे हो तभी ही HMO की स्प्रे की जाती है, अदरवाइज़ इसकी वजह से पत्ते पूरी तरह से जल जाते हैं और पौधा सूख भी सकता है दोस्तों। दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी सेंजो स्केल से पिंड छुड़ाने की। अगर आपके भी बगीचे में इस तरह की प्रॉब्लम है और वो आती है दोस्तों जून के आसपास, तो आप कीटनाशक की बजाय कीजिए HMO की स्प्रे, क्योंकि कीटनाशक से जो एक बैलेंस बना होता है बगीचे का वो बिगड़ जाता है। और अगर आप HMO की स्प्रे करते हैं तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर 38 डिग्री से ज़्यादा ना हो। अगर दिन का तापमान 38 डिग्री से ज़्यादा हो तब आप स्प्रे कीजिए शाम को, और सवेरे आप नहला दीजिए पौधों को पानी से ताकि वो जो ऑयल है वो धुल जाए, और 10-12 घंटे स्केल का सफाया करने के लिए काफ़ी होते हैं दोस्तों।